आज का हमारा टॉपिक साइंस का टॉपिक है और टॉपिक का नाम है रोग और मानव विकास। जैसा कि राजस्थान जीके स्टोर के व्यूवर्स के काफ़ी मैसेज मिले हैं मुझे, और उन्होंने मुझे यही कहा है कि ट्रिक बेस्ड वीडियो ज़्यादा बनाएं आप। तो उन्हीं की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए मैंने ये रोग और मानव स्वास्थ्य का टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया, जो कि ट्रिक्स के ऊपर बनाया है मैंने। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो प्लीज़ पूरा देखें, क्योंकि पूरा वीडियो आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर करने में हेल्प करेगा। और इसमें मैंने याद करने की कई ट्रिक्स है जो आपके साथ शेयर की है। तो जो ट्रिक्स मैंने इस वीडियो में डाली हैं वो वीडियो के मिड में भी आ सकती है, लास्ट में भी आ सकती है, तो इसलिए आप थोड़ा पेशेंस रखें और वीडियो को पूरा देखें। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको मेरे द्वारा बनाए हुए नए वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक के बारे में सबसे पहले मैं आपको बेसिक जानकारी देता हूँ कि रोग किस प्रकार होते हैं। रोग जो होते हैं वो उनके कारक रोगाणु होते हैं, और रोगाणु के अनेक प्रकार होते हैं। तो इसलिए पहले मैं आपको जो रोगाणु होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम आपके साथ शेयर करता हूँ। जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, परजीवी कवक और बाकी सब अन्य में शामिल रहते हैं। तो जैसे कि जीवाणु को वायरस कहते हैं, सॉरी, जीवाणु को बैक्टीरिया कहते हैं और विषाणु को वायरस कहते हैं, और इस प्रकार कवक को फंगस कहते हैं। इस प्रकार इन्हीं के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, और इन्हीं के जो जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ है, इनके द्वारा जो रोग होते हैं उनके नामों को मैं आपको ट्रिक के माध्यम से क्लियर करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वायरस से। तो वायरस की जो ट्रिक है वो मैं आप सबसे पहले वो ट्रिक लिखता हूँ। रवि चाचा, छोटी माता, तथा आया, आया ने हैप्पी एड्स डे पर सारस बर्ड का चिकन खाया। सारस बर्ड का चिकन खाया जिससे उनको पोलियो इससे उनको पोलियो जुकाम मम्प्स खसरा हो गए। ये ट्रिक अभी आपको बड़ी लग रही होगी, लेकिन जैसे आप इसको दो चार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये इजीली याद हो जाएगी। तो रवि चाचा, छोटी माता तथा आया ने हैप्पी एड्स डे पर सारस बर्ड का चिकन खाया जिससे उनको पोलियो जुकाम मम्स और खसरा हो गए। तो अब इन्हीं के अंदर जो वायरस द्वारा जनित रोग हैं उनके नाम सम्मिलित है, तो उनको मैं लिखता हूँ यहाँ से। रेबीज, छोटी माता से छोटी माता बनता है,
आया से आई फ्लू, और हेपेटाइटिस से हैप्पी से हेपेटाइटिस, और जैसा कि एड्स से एड्स बनता है, और डे से डेंगू, और सारस से बनता है सोर्स। सोर्स ये एक रोग होता है, और बर्ड से बर्ड फ्लू, और चिकन से चिकनगुनिया, और जैसा कि पोलियो, जुखाम, मम्स और खसरा, इस प्रकार इनके नाम नाम में ही रोग हैं ये तो एक तरह से। तो रवि चाचा छोटी माता आया ने हैप्पी एड्स डे पर सारस बर्ड का चिकन खाया, जिससे उनको पोलियो, जुकाम, मम्स और खसरा हो गए। तो इस प्रकार ये एक पहली ट्रिक है, जिसमें कम से कम 7 से 8 वायरस के द्वारा जो रोग होते हैं उनके नाम सम्मिलित हैं। उसके बाद में दूसरी ट्रिक्स के बारे में मैं डिस्कस करते हैं अपन। इसके बाद दूसरी ट्रिक्स है जो वायरस के नामों को बताती है हमें। पक्षी को SBI बैंक कहते हैं। इसमें है ये स्वाइन फ्लू, ये है बर्ड फ्लू, और ये है इन्फ्लुएंजा। इस प्रकार वायरस के द्वारा दो ट्रिक्स होगी, जो पहली ट्रिक मैंने बताई और ये दूसरी ट्रिक ही है। इसके अंदर वायरस के द्वारा जो जनित रोग है उनका उनके पूरे नाम मिलेंगे आपको। उसके बाद बात करते हैं जीवाणु जनित, रोग की ट्रिक है काले कलर की TB का प्लग लगा देना। इस प्रकार काला ज्वार एक प्रकार का रोग है, TB है, और प्लग से है प्लेग। तो ये एक जीवाणु जनित रोग की पहली ट्रिक है। उसके बाद हम दूसरी ट्रिक डिस्कस करते हैं। दीप्ति ने सिर्फ निमोनी को गे कहा। दीप्ति से बनती है डिप्टीरिया, और सिर्फ से बनता है सिप्लिस, और निमोनी से बनता है निमोनिया, और गे से बनता है गोनोरिया। गे कहा है तो, और यहाँ पे है से बनता है हेजा। तो इस प्रकार ये जीवाणु जनित रोग की दूसरी ट्रिक है। इसके बाद तीसरी ट्रिक डिस्कस करते हैं। टीटी की टाई एंड टाइम पर काली हो गई। टीटी से टिटनेस, टाई से टाइफाइड, और काली से काली खांसी। इस प्रकार ये तीसरी ट्रिक है। टीटी की टाई एंड टाइम पर काली होगी। तो इस प्रकार ये जीवाणु जनित की 3 ट्रिक्स हैं। इसके बाद डिस्कस करते हैं संक्रामक रोग। संक्रामक रोग की क्या ट्रिक है, जो छूने से फैलते हैं। इसकी ट्रिक है
छोटी माता ने बड़ी माता के पैर छूकर कुछ मांगती है, जैसा कि छोटी माता ने बड़ी माता की पैर छूकर कुछ मांगती है। तो यहाँ पे छोटी माता, बड़ी माता और कुछ से बनता है कुष्ठ रोग। इस प्रकार ये संक्रामक रोग जो छूने से फैलते हैं उसकी ट्रिक है। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ प्रोटोजोआ जनित रोग। इसकी सीधी सी ट्रिक है काम पापे। का से बनता है कालाजार, म से बनता है मलेरिया और पाया से बनता है पायरिया और पे से बनता है पेचिस। इसके बारे में, इनके बारे में कुछ जानकारी और देना चाहता हूँ आपसे। जैसा कि मलेरिया, मलेरिया का जो प्रभाव पड़ता है वो तिल्ली और आरबीसी को प्रभावित करती है, जो मलेरिया रोग होता है। और पायरिया, पायरिया होता है जिससे मसूड़े प्रभावित होते हैं और पेचिस से आंतें प्रभावित होती है। और कालाजार है वो, उससे अस्थि मज्जा प्रभावित होता है। इस प्रकार प्रोटोजोआ जनित रोग की ट्रिक है काम पापे, इससे हम इनको इस तरीके से याद रख सकते हैं। इसके बाद लास्ट जो बचता है वो है गंदे पानी, गंदे भोजन। गंदे पानी और गंदे भोजन से होने वाले रोग हैं। इसकी ट्रिक है पीली टॉप वाली पोशाक। पीली टॉप वाली पोशाक पे गंदे पानी या भोजन के छींटे लगे हैं तो पी से बनता है पीलिया। टा से बनता है टाइफाइड, पोलियो और है से बनता है हैजा। जैसा कि ये जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सा रोग जो गंदे पानी के से नहीं फैलता है, तो इस प्रकार पीली टॉप वाली पोशाक पे गंदे पानी या भोजन के छींटे लगे हैं, तो इस प्रकार इनको याद रख सकते हैं। और इस प्रकार जो जो रोगाणु हैं उनकी ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर की, जो कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, इनके जनित रोग होते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और इसको शेयर करें। थैंक यू।